जब हम लोग कॉलेज में रहते हैं तो हम लोग बड़ा ग्रेडिंग करते हैं, अच्छा ये तो बहुत ब्रिलियंट बॉय है, ये सुपर ब्रिलियंट है, ये टॉप 1% है, ये तो गधा वाला है, ये मिडिल क्लास वाला है। बट जब हम लोग रियल लाइफ में जाते हैं, रियल जॉब में जाते हैं, तो कई बार ये देखने को हम लोग को मिलता है कि जो बहुत ब्रिलियंट बॉय था ना वो कहीं एवरेज कर रहा है, बट कोई बहुत ज़्यादा पुअर बॉय था ना वो भी बहुत ब्रिलियंट कर रहा है। एंड जो ऐसा वैसा था ना, पता चलेगा कि वो एरिया चेंज करके या कुछ और भी वो बिगर कर रहा है। सो वहाँ पे सारे कोरिलेशन ख़त्म हो जाते हैं कि कौन कैसा था। और कई बार ऐसा होता है कि जो ब्रिलियंट बॉय अपने आप को बड़ा मैं समझता था, वो उस गधे से हेल्प मांग रहा है या वो बोल रहा है कि हमारी अपनी कंपनी में हमारी जॉब लगवा दो या कहीं रिफ़र कर दो मेरा CV, ऐसा भी होता है। यह हमेशा से हम लोग सुनते आते हैं कि अगर आप चीटिंग कर रहे हो या सेल्फिश हो या अपने बारे में सोचते हो, ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चल पाती हैं। बट अगर आप हेल्पिंग नेचर वाले हो, केयरिंग हो, एक दूसरे हेल्प करते हो, उतने सबका लेके चलते हो, सो बीइंग नाइस पर्सन और गुड पर्सन, ये बिहेवियर आपका लंबा चलता है एंड सस्टेनेबल है, एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करता है। ये करियर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू वॉन्ट टू सेटअप ए गुड कैरियर और बहुत अच्छा ग्रोथ चाहते हो तो बींग नाइस, बींग गुड पर्सन गोज लॉन्ग वे एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम गोइंग टू शेयर ए रियली रियली ग्रेट एग्जाम्पल टूडे, रियल स्टोरी है। आप पढ़ने में कितने ब्रिलियंट हैं, पुअर हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं या कैसे हैं, ये उतना मैटर नहीं करता है। जितना मैटर करता है कि आपका नेचर कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कितनी है, आप कितने फ्रेंडली हैं, लोगों से कितने अच्छे से मिलते जुलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली US में मैंने देखा है कि अगर इंडस्ट्री में आपको रहना है तो आप कितने भी टैलेंटेड हैं आपको हायर नहीं किया जाएगा अगर आपका बिहेवियर, पर्सनालिटी, फ्रेंडली नेचर और ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। और यही एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या हुआ। कहीं भी आप साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट या प्रिंसिपल साइंटिस्ट पे इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका इंटरव्यू में मल्टीपल डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व रहते हैं, मल्टीपल टीम के लोग, और सबका फीडबैक लिया जाता है, इसके बाद आपको पोजीशन दी जाती है। तो एक इंटरव्यू में मैं क्या इन्वॉल्व था, उसमें ये हुआ कि जब फीडबैक लिया जा रहा था तो सारे फीडबैक में था कि ये पर्सन बहुत अच्छा प्रेजेंट करता है, ये पर्सन बहुत टैलेंटेड है, ये अपनी टेक्निक जानता है, ऐसा है वैसा है सब कुछ। दो रिकमेंडेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड आया कि ये पर्सन का बिहेवियर ठीक नहीं है, स्पेशली जो ये पर्सन बात कर रहा था इस बात से लग रहा था कि ही इज ए बायस्ड पर्सन सर्टेन रेस के या सर्टेन। और दोनों PhD किए थे, एक PhD के बाद पोस्टडॉक में चला गया, इंडस्ट्री में आना चाह रहा था, और एक PhD करके डायरेक्ट इंडस्ट्री में आ गया जो उसका इंटरव्यू ले रहा था। उसने बोला नहीं, ये पर्सन का बिहेवियर ठीक नहीं है, आई हैव सीन कि PhD के टाइम पे किसी भी जूनियर सीनियर कलीग के साथ में इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, सो ये पर्सन को हायर करना टीम के लिए रिस्की हो सकता है, तो उसको हायर नहीं किया गया। सेकेंड पर्सन ने सिमिलर फीडबैक दिया, नहीं बहुत सारे जब बात करते हैं, जब इंटरव्यू में आते हैं, लंच वगैरह पे जाते हैं या कहीं आउटसाइड जाते हैं काफ़ी वगैरह के लिए, तो उस टाइम भी आपका इंटरव्यू होता रहता है, तो बहुत केयरफुल होना चाहिए। तो उस टाइम पे जो भी बात कर रहे हैं, इधर पॉलिटिकल बात कर रहे हैं या किसी सोशल इकोनॉमी किसी भी कंडीशन पे बात कर रहे हैं आउट ऑफ द टेक्निक या आउट ऑफ द सब्जेक्ट, तो बहुत सोच समझ के बात करना होता है। तो बहुत सारी बातों में ये पता चला कि दिस पर्सन इज़ बायस्ड सर्टेन चीज़ों में, इसके जो व्यू है दैट इज़ नॉट गुड और ये कंपनी के लिए हार्मफुल हो सकता है अगेन, सो उसको हायर नहीं किया गया। एक एग्जांपल और देना चाहूँगा कि एक मेरे जानने वाला था जो बहुत तो अच्छा बिहेवियर नहीं कहेंगे हमारे साथ, बट हमारे लिंक्डइन में था, उसका इंटरव्यू किसी और कंपनी में हो रहा था, वहाँ जो पर्सन इंटरव्यू ले रहा है वो मेरे लिंक्डइन नेटवर्क में था। उसने मुझे अप्रोच किया, बोला इस पर्सन के बारे में फीडबैक दो, एक कैसा पर्सन है, यू नो अबाउट हिम, और हम इसको हायर करने जा रहे हैं। तो हमारे पास बेटर फीडबैक था कि नहीं ये पर्सन अच्छा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते हैं बट आई नो कि इस एरिया में काम करता इस तरह है, तो ये फीडबैक मेरा है। क्या हुआ इंटरव्यू में आई डोंट नो, बट अगर आप अच्छा हैं तो ये कहीं ना कहीं घूम के आपके पास आएगा। बट अगर आपका बिहेवियर
सेल्फिश, बहुत ज़्यादा टू मच सेल्फिश है, या फिर चीटिंग का है, या सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, या लोगों को यूज करके छोड़ने वाला काम करते हैं, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हो जाता है। आपके साथ जितने लोग हैं उनके साथ बेस्ट बिहेवियर रखिए। अगर बहुत बेस्ट बिहेवियर नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट गुड बिहेवियर रखिए, बट वर्स बिहेवियर मत कीजिए। क्यों? कि वर्स बिहेवियर हर जगह नोटिस किया जाता है, और फिर नेक्स्ट कंपनी में जब जाते हैं लोग तो सब पूरा वर्ल्ड गोल है, ये कोई ना कोई वहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, तो लोग फिर अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एक मैं अपनी ओन स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ। मास्टर के बाद मैंने ट्रेंड फार्मा में जॉब किया था। मास्टर के बाद में जब मैं ट्रेंड फार्मा में काम कर रहा था इंडिया में, तो वहाँ पे मैं सीखने के लिए रात में जाता था। मैंने मैनेजर से पूछा कि यार मुझे बहुत सीखना ज़रूरी है, आप मुझे किसी तरह फ्रीडम दो, क्योंकि रियल वर्क में ट्रेनिंग को इन्वॉल्व नहीं करते थे। तो उसने बोला कि संतोष तुम्हें सीखना है तो रात में आओ। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो मैंने नाइट शिफ्ट में जाना शुरू कर दिया सीखने की वजह से। ओवरऑल मैं सबके साथ जो बिहेवियर रखा था वो मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा था, और उस बिहेवियर की वजह से जब मैं साल भर बाद उसी मैनेजर जब बड़ी पोजीशन पे किसी और कंपनी में चले गए, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, संतोष तुम मेरी कंपनी में आ जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, बट मैं आऊँगा तो मैं अपने दोस्तों के साथ आऊँगा। तो बोले नहीं, मैं तुम्हें हायर करूँगा। मैं कि नहीं, हम सब लोग आएंगे साथ में। सबको साथ में हायर किया, बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ ए गुड बिहेवियर एंड हमारा लर्निंग एटीट्यूड क्या है। तो वो देख रहे थे कि नहीं, ये पर्सन बहुत अच्छा है, एंड अगर मैं इस पर्सन को हायर करूँगा अपनी टीम में तो ही विल हेल्प मी ग्रो द होल टीम एंड होल थिंग। तो ये होता है। तो आपका एटीट्यूड, बिहेवियर इन ईच एंड एवरी थिंग बहुत अच्छा रखना है, कहीं भी हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप रिसर्च में हो, एकेडमिक में हो, इंडस्ट्री में हो, किसी भी एरिया में हो। कीपिंग गुड बिहेवियर, गुड हैबिट गोज लॉन्ग वे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू लेटर।